Hello Class-8, this is Rohit Tiwari and I'm going to teach you today one chapter from geography. As you can see right now, the chapter name, it is here, Interior of the Earth. Ab interior, yani earth ke andar kya hai, usko hume samajhna hai. To pehla aata hai ki यहाँ पे इन्होंने एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, जैसे बिफोर बॉइलिंग द मिल्क वॉज इन लिक्विड स्टेट, आफ्टर इट केम टू बॉयल स्टीम स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम इट, आफ्टर सम टाइम अ थिक लेयर ऑफ क्रीम डेवलप्स ओवर द मिल्क, द टेम्परेचर ऑफ द क्रीम इज लेसर देन द मिल्क बिलो, डस इट कैन बी इम्प्लाइड दैट ही द क्रीमी लेयर कूल्ड इट फास्टर देन द मिल्क बिलो इट विच रिमेन्ड हॉट इन द लिक्विड फॉर्म. A similar process occurred when the earth cooled. अभी बता रहे हैं, जो मिल्क को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, बॉयल होता है. बॉयल होने के बाद उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है क्रीम की, मलाई जिसको बोलते नहीं, और उसके नीचे की जो सतह है, जो नीचे का मिल्क है, वो काफी देर तक गर्म रहता है. क्यों? क्योंकि ऊपर की सतह तो कूल हो गई, लेकिन नीचे की सतह, नीचे में जो लिक्विड है वो गर्म रहता है थोड़ी देर तक. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसको मेंटेन करती है, ऊपर जो मलाई की परत है, अगर उसको हटा देंगे तो सब चेंज हो जाएगा. इसी तरह से अर्थ का भी है कि अर्थ के अंदर हम तीन लेयर की बात करते हैं. वो तीन लेयर कौन कौन सी हैं? मैं आपको दिखाता हूं एक पिक्चर, और वो पिक्चर है ये रही. ये देखिए, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि सेंटर पार्ट इट इज रिफर्ड एज निफे. निफे का मतलब है निकिल एंड फेरेनियम. उसके ऊपर का जो पार्ट है उसको सीमा कहते हैं, सिल्का एंड मैग्नीशियम, देन आफ्टर सियाल सिल्का एंड एल्युमिनियम, देन आफ्टर क्रस्ट वेयर वी लिव. तो सबसे ऊपर है क्रस्ट जिसमें हम रहते हैं, फिर है सियाल, फिर है सीमा, फिर है निफे. ये हम अगर केमिकल जो कंपोजिशन है अर्थ के अंदर, जिसको हम देखें जो मेजर उसके अंदर जो पार्ट है, जो एलिमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अर्थ का क्लासिफिकेशन करते हैं इंटरनल, तो उस इंटीरियर क्लासिफिकेशन में पहले निफे आएगा, जो मिनरल्स का कंटेंट हाई है, उसमें निकिल और फेरेनियम है, फिर सिल्का मैग्नीशियम, सिल्का एल्युमिनियम, देन आफ्टर क्रस्ट इज देयर. ठीक है, तो ये तो तीन मेन लेयर हैं हमारे पास. उसके बाद चैप्टर में देखते हैं आपके चैप्टर में क्या बता रहे हैं. चैप्टर में भी यही बता रहे हैं कि देखिए, ये आपके में चैप्टर में एक डायग्राम दिया हुआ है, और ये कह रहे हैं देखिए, जो सबसे अंदर का जो पार्ट है उसको हम कोर कहते हैं. फिर क्या है, एक आउटर कोर है, यानी कोर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, इनर कोर एंड आउटर कोर. ठीक है, उसके बाद मेंटल है. अब ये वाला मेंटल नहीं है जो अस्पतालों में मिलते हैं, ठीक है, ये अर्थ के अंदर का मेंटल है. अब ये जो मेंटल है ये भी दो पार्ट में बटा है, एक है अपर मेंटल और सेकेंड वन इज लोअर मेंटल. तो लोअर मेंटल, अपर मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, इन्हीं कोर के दो पार्ट हैं, और मेंटल के भी दो पार्ट हैं. फिर बात आती है क्रस्ट की, जिसपे हम रहते हैं. तो क्रस्ट जो है वो भी दो हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक हमारी ओशनिक क्रस्ट है. ठीक है, यानी क्रस्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, और हमने कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया. तो टोटल कितने हो गए? टोटल सिक्स लेयर हो गई. ठीक है, अब आप कहेंगे सियाल, सीमा और निफे क्या है? वो हमारा, वो भी क्लासिफिकेशन है. अब जैसे निफे जो है, निफे के अंदर क्या आएगा? निफे के अंदर कोर आएगी, निकिल एंड फेरेनियम, उसके सियाल, सियाल में मेंटल आएगा, ठीक है, लोअर मेंटल, और फिर जो सीमा थी वो अपर मेंटल में आएगी और क्रस्ट में आएगी. तो उसके अंदर का जो मिनरल्स का जो कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग निफे, सियाल और सीमा है, और फिर क्रस्ट है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसी को थोड़ा और अगर हम उसके डिवीजन के हिसाब से अगर देखें, जो ब्रॉड डिवीजन है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, वो कोर, मेंटल और क्रस्ट का हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी करके दिखाई है कि आपके पास, जैसे आपने पहले येलो जो भी यूज किया उससे एक बॉल बनाई, येलो के अंदर फिर आपने एक ब्लू रखा, नहीं, हाँ जी, पहले इन्होंने इट्स नॉट येलो, इट्स अ पिंक कलर, सॉरी, तो पिंक या थोड़ा सा रेडिश कलर है,
उसको उन्होंने पहले रखा, उसके ऊपर फिर येलो लेयर चढ़ाई, येलो लेयर के बाद में क्या किया इन्होंने, फिर उसके ऊपर ब्लू लेयर चढ़ाई, कितना सिंपल है। और फिर उसको अर्थ, यानी ब्लू हमारी अर्थ है। अब अगर आप अर्थ को बीच से डिवाइड करोगे, इस बॉल को डिवाइड करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, पहले रेड है, फिर येलो है, फिर ब्लू है। तो ये एक तरह से अर्थ को समझने के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी करके दिखाई कि पहले हम अगर हम तीन तरह के मटेरियल को यूज करते हैं बॉल बनाने के लिए, रेड येलो फिर ब्लू, और उसको कट करते हैं तो हमें इस तरह से अर्थ दिखेगी। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पे क्रस्ट और मेंटल के बीच में, और मेंटल और कोर के बीच में दो इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी है। अब डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ये डिसकंटिन्यूटी का सीधा मतलब है कि जहां से अर्थ के अंदर जो लेयर्स हैं, जहां से ट्रांजिशन जोन स्टार्ट होता है, कि यहां से डेंसिटी वगैरह सब चेंज हो जाएगा। देर आर फाइव डिसकंटिन्यूटीज इन साइड द अर्थ, देर आर फाइव डिसकंटिन्यूटीज इन साइड द अर्थ। कंकार डिसकंटिन्यूटी, ट्रांजिशन जोन बिटवीन सियाल एंड सीमा, मोहोक्रोमिक डिसकंटिन्यूटी, ट्रांजिशन जोन बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, रैपिडिटी डिसकंटिन्यूटी, ट्रांजिशन जोन बिटवीन आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल। तो ऐसे करके कई सारी डिसकंटिन्यूटीज हैं टोटल हमारे पास, और वो टोटल फाइव हैं। लेकिन अभी आपके कोर्स में कितनी हैं, आपके कोर्स में केवल दो हैं, एक है मोहोक्रोमिक और दूसरी है गुटेनबर्ग। तो आपको ये कंकॉर्ड और रैप्टी और लेमान नहीं पढ़नी है, अभी ये आपके कोर्स में नहीं है। गुटेनबर्ग जो है वो कोर और मेंटल के बीच में है, आपको बस इतना याद रखना है। कोर और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है, जो डिसकंटिन्यूटी है, उसका नाम है गुटेनबर्ग। और जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है वो है मोहोक्रोमिक। अब इसको याद करने का सीधा तरीका, जीएम, जीएम माने किसी बड़ी फैक्ट्री में नहीं होता, जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर, और जी स्टार्ट होगा नीचे से, पहले जी आता ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर एम आएगा, तो फर्स्ट जी आएगा। तो जी किसके बीच में है, कोर और मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी है गुटेनबर्ग। फिर आएगा जी के बाद एम, एम आएगा क्रस्ट और मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, इतनी बस समझ में आ गई, तो आपको डिसकंटिन्यूटी सब में थोड़ी सी आ गई होगी। वापस अपने चैप्टर में चलते हैं। अब यहां पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्रस्ट क्या होती है, लेयर बाय लेयर क्रस्ट। क्रस्ट के भी दो पार्ट हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। अब जो सबसे ऊपर का पार्ट है अर्थ का, वो क्या है, वो है सॉलिड स्टेट, इसमें हम रहते हैं, थिकनेस है, और ये 30-35 किलोमीटर की एवरेज है। इसी पे हम रहते हैं, इसी पे पानी है, इसी में मिनरल्स ज्यादातर सारे। ठीक है, अब उसके बाद ओशोनिक क्रस्ट, यानी जो समुद्र है, जो पानी है, ओशंस है, उनके नीचे जो जो जमीन की सतह है, वो ओशोनिक क्रस्ट हो गई। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द क्रस्ट, इट इज मेड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, जो मैं देखो पहले आपको बोला था सियाल सीमा निफे, तो वो सियाल अभी सीमा। दिस इज द लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 7-10 किलोमीटर थिक, द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 2.9 ग्राम सीएम क्यूब, 2-3.3 ग्राम सीएम क्यूब इन दिस लेयर बेसाल्ट एंड गैब्रो रॉक्स आर मेनली फाउंड अब यहाँ पे बेसाल्ट की रॉक ज्यादा है ठीक है ऑलवेज रिमेम्बर ये सिलिका इनका जो मैंने बताया था डेंसिटी सबसे ऊपर क्या होगी, लो होगी, और जितना अंदर जाएंगे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो सिलिकॉन के लिए SI, एल्यूमिनियम के लिए AL, सिलिकॉन अगेन SI, मैग्नीशियम MG, और निकेल के लिए NI, और फेरस के लिए Fe। तो ये देखिए पहला हो गया सियाल, फिर हो गया सीमा, और फिर हो गया निफे। ठीक है, तो हमने दो क्रस्ट समझ ली, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। एक वो जमीन जिसमें हम रहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और एक वो जमीन जो पानी के नीचे है, वो क्या है, ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है मेंटल के बारे में। अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में थोड़ा और समझाया है, पहले क्रस्ट को समझाया, फिर ओशनिक क्रस्ट को समझाया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को समझा रहे हैं मेंटल से पहले।
अब द कॉन्टिनेंट्स आर मेनली कंपोज ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम यानी सियाल, तो सियाल यानी कॉन्टिनेंट क्रस्ट और सीमा माने ओशनिक क्रस्ट। इसकी डेंसिटी कितनी? 2.65 टू 2.90 ग्राम CN³। थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर। ग्रेनाइट रॉक ज्यादा है वहां पे, बेसाल्ट रॉक्स है। देखिए यहाँ पे जो ओशनिक क्रस्ट है, यहाँ पे जो सबसे मेन रॉक जो है वो क्या है? बेसाल्ट है। जबकि आपके कॉन्टिनेंटल में कौन सी है? ग्रेनाइट ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे, देखिए उन्होंने थोड़ा डिस्कंटिन्यूटी को भी अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है। दिस डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल टू, दिस डिस्कंटिन्यूटी वॉज डिड्यूस बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड मोहक्रोबिक, जो मैंने आपको पहले बताया जी एम वाला फार्मूला, जनरल मैनेजर। तो जी माने गुटेनबर्ग कोर और मेंटल के बीच में, और एम माने मोहक्रोबिक क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो देखिए गुटेनबर्ग भी आ रहा है और आपका मोहक्रोबिक भी है। देखिए गुटेनबर्ग जो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले डायग्राम से दिखाया था, और ये आ गया मोहक्रोबिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं और इतना समझिए। एक बार मैं आपको डायग्राम को फिर से दिखा देता हूँ, जैसे मोहक्रोबिक की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिनिटी की। तो आपके कोर्स पे गुटेनबर्ग और मोहक्रोबिक है, रैपिटी एंड लेहमान एंड कॉनकॉर्ड अभी नहीं है। तो आपको इतना ही समझना है, क्रस्ट है पहले, फिर मेंटल है, मेंटल के भी दो पार्ट हैं, क्रस्ट के भी दो पार्ट हमने किए हैं बुक में समझने के लिए, और ब्रॉड में भी इतना ही ऐसे ही करते हैं। कोर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, आउटर एंड इनर कोर। कोर और मेटल के बीच में गुटेनबर्ग, क्रस्ट और मेटल के बीच में मोहक्रोबिक, दैट्स इट। आज के लिए अगर आपने इतना समझ लिया तो आपने बहुत समझ लिया, बाकी हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा और इसको समझते हैं, स्टडी करते हैं।